हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ साबूदाना खिचड़ी की परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखिए, एक भी दाना यहाँ पर चिपका नहीं है। सारे साबूदाने के दाने एक दूसरे से अलग हैं, अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और अच्छे से गल भी चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी है। अगर आपकी साबूदाना खिचड़ी ऐसी नहीं बनती है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सारे टिप्स मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपकी भी साबूदाना खिचड़ी ऐसी परफेक्ट और खिले खिले दाने वाली बनेगी। यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिए हैं। अब इसमें हम 3 कप छाछ डालेंगे और छाछ में हम साबूदाने को 3 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल पतली छाछ नहीं लेनी है। 1 कप दही में 2 कप पानी डाल के इस मेजरमेंट के साथ जो छाछ बनेगी वही आप यहाँ पर यूज़ करें तो आपके जो साबूदाना है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। छाछ में साबूदाने भिगोने से उसकी चिकनाहट कम हो जाती है और जो खिचड़ी है वो खिले खिले दाने वाली बनती है। अब इसको ढक्कन लगा के रखें 3 घंटे के लिए ताकि अच्छे से भीग जाए। 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए, हमारे जो साबूदाना है वो अच्छे से भीग चुके हैं। एक एक दाना अच्छे से फूल चुका है और इसको हम स्ट्रेन करेंगे। अब स्ट्रेन करने के बाद साबूदाना को हम आधे घंटे स्ट्रेनर पे ही छोड़ देंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर और छाछ है वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाए और ये थोड़े से ड्राई हो जाए। आधा घंटा हो चुका है और जो हमारे साबूदाने ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। जो भी एक्सेस छाछ और पानी था वो अच्छे से स्ट्रेन हो गया है। ये स्टेप करना ज़रूरी है कि इसको आधा घंटा स्ट्रेनर पे रखा जाए। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाली कढ़ाई ली है और उसमें मैंने डाला है 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मल वाली कढ़ाई में ही साबूदाने बना के दिखाऊंगी कि ये चिपकते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 आलू जिसके छोटे टुकड़े कर दिए थे वो मैं यहाँ पर पहले फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी जितना नमक ताकि आलू अंदर से फीके नहीं लगे। जैसे ही आलू फ्राई हो जाए, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी पीनट्स, इसको भी हम साथ में फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने क्रश कर लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दें। गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखें और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर 2 टमाटर जिसको हमने बारीक काट लिया था। अच्छे से अब इन सब चीज़ों को हम पकाएंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। अब जब तक टमाटर गलते नहीं हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। यहाँ पर ये हमारे जो टमाटर हैं वो देखिए अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे से यहाँ पर तेल भी निकल गया है। ये मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे साबूदाने। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। साबूदानों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको हम डायरेक्टली गैस पे नहीं पकाएंगे वरना वो चिपक जाएंगे। इसके लिए मैं कढ़ाई को साइड में रख रही हूँ और यहाँ पर एक पुराना तवा मैंने गरम करने रखा है। 2 मिनट के लिए हम तवे को गरम होने देंगे। आप कोई भी तवा यूज़ कीजिए, आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पर पुराना तवा लिया है और जैसे ही तवा गर्म हो जाए हम ये कढ़ाई इसके ऊपर रख देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो पे कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं एक थाली को उल्टा करके रखूँगी ताकि इसकी जो हवा है वो बाहर ना निकले और इसके ऊपर एक वज़नदार चीज़ रख देनी है इस तरीके से। अब 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। 5 मिनट हो चुकी है, अब हम चेक कर लेते हैं। अब इसको हम एक बार चला लेंगे। ये देखिए, नीचे जो साबूदाने थे वो अच्छे से पक चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, तो इसको हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब वापस ढक्कन लगा के हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट और हो चुकी है तो इसको हम अच्छे से मिला देते हैं।
और ये देखिए साबुदाने की जो खिचड़ी है वो कैसे खिले खिले दाने बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी दाना एक दूसरे के साथ चिपका नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ से, ये देखिए ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और गल भी चुके हैं। कोई कोई दाना यहाँ पर रह गया है तो इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखना है और 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 2 मिनट हो चुकी है और ये जो हमारी साबूदाना की खिचड़ी है वो तैयार है। ये देखिए कितने खिले खिले दाने बैठे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं सर्विंग की प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ।